इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि डिस्क क्लीनअप क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते हैं तो काम करने के साथ ही कंप्यूटर बहुत सारी टेम्पररी फाइल्स भी बनाता जाता है जो सिस्टम में सेव होती जाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे कंप्यूटर में जगह भरने लगती है और इसके परिणाम स्वरूप कंप्यूटर की काम करने की स्पीड कम होने लगती है, जिसे किसी भी प्रोग्राम को खुलने में पहले से ज्यादा समय लगने लगता है और इसी तरह इंटरनेट स्पीड भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में डिस्क क्लीनअप के द्वारा आप अपनी कंप्यूटर की डिस्क की फालतू फाइल्स को हटाकर उसमें ज्यादा जगह प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही इससे कंप्यूटर और इंटरनेट की स्पीड में भी काफी सुधार हो जाता है। डिस्क क्लीनअप एक सिस्टम टूल है जिसकी सहायता से आप कंप्यूटर की डिस्क को स्कैन करके अनावश्यक यानी गैर जरूरी फाइल्स को हटा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहे कंप्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर तीन डिस्क्स में बटा हुआ है, इन्हें हम ड्राइव भी कह सकते हैं, और इन डिस्क को क्रमशः सी, डी और जी नाम दिए गए हैं। ध्यान रखें हर कंप्यूटर में तीन या इससे कम या ज्यादा डिस्क्स हो सकती हैं और उनके नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। हम डिस्क सी पर राइट क्लिक कर रहे हैं और यहाँ ओपन हुए मेन्यू में प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए डिस्क की प्रॉपर्टीज की विंडो आ रही है, यहाँ हमें डिस्क क्लीनअप पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही डिस्क क्लीनअप की छोटी विंडो आएगी जिसमें एक हरे रंग की पट्टी चलती हुई दिखाई पड़ेगी। दरअसल ये गैर जरूरी फाइल्स को ढूंढ रही है। जैसे ही ये ऐसी अननेसेसरी फाइल्स ढूंढ लेगी, इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। इसमें वो फाइल्स दिखाई पड़ रही हैं जो आपके सिस्टम के हिसाब से डिलीट करना चाहिए। इस लिस्ट में कुछ फाइल्स पहले से ही सिलेक्टेड हैं और बाकी को आप अपनी जरूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सभी के चेकबॉक्स पर जाकर उन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ओके पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें पूछा जाएगा क्या आप इन सभी फाइल्स को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं। हम डिलीट फाइल्स पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए प्रोसेस चल रही है और कुछ ही सेकंड्स में सभी अनावश्यक फाइल्स डिलीट हो गई हैं। अब आप यहाँ ओके पर क्लिक करें। ऐसा करते ही डिस्क में फ्री स्पेस बढ़ जाएगी जिसे आप यहाँ लिखा देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना डिस्क क्लीनअप के बारे में।